हजरत मोहतरम, आज का मुबारक दिन पूरे रुए जमीन में मनाया जा रहा है और अपने अपने तरीके से लोगों तक पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं। तो आज के इस मुबारक दिन में मुसलमानों को और सुन जाए कुफ्र शिर्क और यहूद नसारा को यह पैगाम दिया जाता है, मुसलमान इस अंदाज से सुने कि हमारा मजहब हमें क्या इजाजत देता है और किसकी तालीम देता है, और यहूद नसारा कुफार मुशरिकीन इस अंदाज से सुने कि वो जिस तरीके से इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को का आईना और इस्लाम का चेहरा जो दुनिया को दिखा रहे हैं, इस्लाम ऐसा नहीं है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनने वालों सुनो कि इस्लाम क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा, रहम करने वाले ही जन्नत में जाएंगे। सरकार ने फरमाया कि रहम करने वाले ही जन्नत में जाएंगे, तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम सब रहम करने वाले हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, रहीम वो नहीं है जो खुद पर रहम करे, बल्कि रहीम वो है कि जो खुद पर भी रहम करे और दूसरों पर भी रहम करे। सुभान अल्लाह, इसका नाम इस्लाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी जबान से और हाथ से लोग महफूज रहे, ये इस्लाम है। आपने इस्लाम का चेहरा दुनिया के सामने मीडिया के जरिए कुछ शरीर और जलील और खार लोग टीवी पर बैठकर अपनी मकरूह जबान से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सुन ले, इस्लाम का जो पैगाम है वो साफ सुथरा है और इस्लाम कोई ढकी छुपी किताब नहीं है। इस्लाम जाहिर और बाहिर किताब है। इस्लाम को अंधा भी जानता है, मुर्दा भी इस्लाम को जानता है, मगर तुम कैसे अंधे और बहरे गूंगे हो गए जो इस्लाम को आज तक नहीं समझे। समझते हो मगर तुम्हारे अंदर की शरारत जो है वह इस्लाम के खिलाफ खड़ी हुई है। हजरात महतरम, जहां इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, जहां इस्लाम भाईचारे का पैगाम देता है, जहां इस्लाम अमन अमान का पैगाम देता है, वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि जो रहम करता है अल्लाह उस पर रहम करता है। तुम जमीन वालों पर रहम करो, वो आसमानों का मालिक तुम पर रहम फरमाएगा। सरकार ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जो किसी पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। यह भी इस्लाम है कि जो किसी पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। सरकार ने फरमाया जो किसी को नहीं बख्शता उसको नहीं बख्शा जाता। इस्लाम उन लोगों के लिए, कुरान में फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो सहाबा हैं वो काफिरों पर सख्त है, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में रहम दिल है। मुसलमानों की सिफत यह है कि वो काफिरों पर सख्त भी है, और उम्मत मुस्लिमा और तमाम मखलूक खुदा पर मेहरबान भी है। तो सख्त उन लोगों पर है जो शर्मीन है, फितने फसाद पैदा करने वाले हैं, जो फितना पैदा करते हैं, मुसलमानों को और इस्लाम को तकलीफ पहुंचाते हैं, तो मुसलमान उनके लिए सख्त है। और जो अमनो अमान को पसंद करते हैं, भाईचारे को पसंद करते हैं, अब जो है खुद की इज्जत करते हैं, दूसरों की भी इज्जत करते हैं, दूसरों के मजहब का भी जो है लिहाज रखते हैं और अपने काम से काम करते हैं, तो इस्लाम ऐसे लोगों के लिए नर्म है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने एक बूढ़े शख्स को रोड पर भीख मांगते हुए देखा। वो शख्स मुसलमान नहीं था, मुसलमान नहीं था वो,
तो हजरत उमर ने यह देखकर फरमाया कि हमने इसके साथ इंसाफ नहीं किया, आप घर तशरीफ ले गए और बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर किया और उस बूढ़े को पहुंचाया कि अब तुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं। इस्लाम जब देने पर आता है तो मजहब नहीं देखता, और जब पकड़ने पर आता है तो अपनों को भी नहीं छोड़ता। तो वो लोग उस दिन से डरे जिस दिन मुसलमान अपनी गफलत की नींद से बेदार हो जाएगा। जो लोग बस टेस रहे हैं, चुपकी ले मार रहे हैं, बस फितने पर ही आमादा है, तो वो लोग डरे कि जब अब्बा सोए रहते हैं तो बच्चे शरारत पर आमादा होते हैं, कहीं वालिदे मोहतरम जाग ना जाए और घर का निजाम फिर सन्नाटे में तब्दील ना हो जाए। लोगों, मुसलमानों को और उनके मजहब को, खास तौर पर उनके पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन से लोगों पास आ जाओ। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर हमारे नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेशक बेशक, ईद के पवित्र दिन पर ये पैगाम इसलिए देना चाहते हैं कि अगर दुनिया में ये अमन कायम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से कायम है। बेशक बेशक, अगर उसी रहमत आलम का, उसी अमन अमान के पैगंबर का अगर उसकी इज्जत और नामोस महफूज न रहेगी तो याद रखो दुनिया में अमन सलामती को तुम तरस जाओ। लिहाजा एहतराम करो। हमारा मजहब कभी किसी के धर्म की या कभी किसी के धर्म गुरुओं की तौहीन करने की इजाजत नहीं देता। हमारे मजहब में तो यह कहा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुमको मुबारक, तुम अपने दीन को देखो। हमारा दीन, हमारा मजहब हमें लकुम दीन को, तुम्हारा दीन तुमको, हमारा दीन हमको। हमारे मजहब ने तो हमको यह सिखाया है। तो मैं उन लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि जो लोग शरारत पर आमादा है, और देखिए ना सर किस किस्म की जलील, रजील, नापाक, लुच्ची, लथंगी, बेहुदा शरारतें की जा रही है। मुझे ये बताओ, लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग मंच लगाकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मुसलमानों की 10 लाख लड़कियां लाना है, ये क्या कोई इज्जतदार की जबान है? ये लोग कह रहे हैं तुम मुसलमानों की लड़कियों से शादी करो और हमारे फला ऑफिस से चेक लेकर चले जाओ। रसीलो, जरीलो, ये कोई इज्जतदार की जबान है? क्या कोई किसी की बहू बेटी और बहन की इज्जत से खेलता है? क्या यही तुम्हारा मजहब और तुम्हारी तारीफ यही इजाजत देती है? यही इजाजत देती है कि किसी की भी बहू बेटी के ताल्लुक से ऐसी बात की जाए? और फिर जब मुसलमान पलट कर भड़कता है तो कहते हैं कि ये लोग फितना करते हैं, फसाद पैदा करते हैं। इस तरीके की रजील गुफ्तगू की जा रही है और हमारे इज्जत नफ्स को जो ठेस पहुंचाई जा रही है। हम और हमारा माशरा सख्त नाराज है, मुसलमानों में बेचैनी है कि इस तरीके की जो शरारत करने वाले हैं गवर्नमेंट उन पर कार्रवाई करे ताकि मुल्क का अमन व अमान बरकरार रहे। किस जाविये के साथ आप ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं? हमारी बहन और बहू बेटियों के ताल्लुक से ऐसी नाजेबा गुफ्तगू करके अपने आप को इज्जतदार बनते हो? यह हमारे नजदीक इंतहाई दर्जे की रजील और सरील हरकत है। और ये जो इंतहाई दर्जे का कमीना होगा वही इस तरीके की गुफ्तगू करेगा और वही लोग ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे। मुसलमानों, सब्र तहम्मुल से काम लो। हमारा मजहब हमें अमन व अमान का पैगाम दे रहा है और हमारा मुल्क, हमारा वतन अजीज हिंदुस्तान जो अमन शांति का गहवारा है, इसके अमन के लिए,
इसके सुकून के लिए, यहाँ के भाईचारे के लिए, यहाँ के इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं। हमें उनकी कुर्बानियों को याद रखते हुए अपने मुल्क के अमन अमान का ख्याल रखना है और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क के नागरिकों को तकलीफ पहुंचे। हमें सब्र तहम्मुल से काम लेना है और हमें इन लोगों के खिलाफ जो है गवर्नमेंट से जाकर अपनी अर्जी पहुंचाना है, दरखास्त पहुंचाना है कि ऐसे लोगों पर जो है कार्रवाई करें, क्योंकि ये मुल्क के अमन अमान के लिए खतरा है। मुसलमान भाइयों, आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है। ये पैगाम आपके और हमारे नाम कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको मुसलमान बनाया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान और उसका शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हम ईद मनाते हैं, जब त्यौहार मनाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे त्यौहार, हमारे रस्म व रिवाज, हमारी ईदें, हमारे प्रोग्राम खुराफात से महफूज रहते हैं, बेहयाइयों से महफूज रहते हैं। इस्लाम इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देता कि तुम्हारे नज़दीक अगर कोई प्रोग्राम आए तो तुम खुराफात करो, फजूल खर्ची करो, बेहयाइयां करो, नहीं, बल्कि दायरे में रहकर इस्लाम पर अमल